की दुनिया वह कल्पना की दुनिया जिहड़ी सानू साडे सामने एक ताज़ा तस्वीर उलीक दिंदी आ। तुसीं टीवी देखदे आ, फिल्म देखदे आ, अपनी मर्जी के रंग उहदे विच नहीं भर सकते, जो तुहानूं दिखाया जांदा है तुसीं उह देखण लई मजबूर हुंदे हो, पर कविता अजिही है जिस तुसीं अपनी मर्जी के रंग भर सकते हो, अपनी मर्जी की तस्वीर उलीक सकते हो, जिहो जिहा चाहो उहो जिहा चित्रण कर सकते हो। सो इसे लई पेश करन जा रहे ने निशा लुथरा होरी, उहनां दा डायरैक्ट कीता होया नाटक इस फूड़ी किताब के उत्ते। सो जोरदार ताड़ियां दे विच निशा लुथरा वालों पेश किया गया नाटक उड़ी। वाहेगुरु साहेब दियो जप जी साहेब, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कुकू जी हुन उठ भी जाओ, सवेर हो चली है, तुसी सुते रहना। वेख्यो जे हुन भी नहीं उठे ना मैं पानी सिट देना थोड़े उत्ते। ना भी ना पानी ना सिटी, वेख सौण दे मैनू। चंगा चंगा बाबा उठदा, ठहर ता जा, पानी नहीं पानी नहीं भी। टॉली नू गुजरे कई साल लंघे ने, पर अजे भी वो सवेरे सवेरे मेरे सुपने च आके मैं जगा जाती है। मैं तो कहता रहना सौ लैन दे सौ लैन दे, पर वो नहीं मनती। बड़ी शोक ते नटखट सी, बड़ी शरारती सी मेरी गलती, पर अज जिंदगी दे सफर दे आखिरी पड़ाच भी वो मेरे नाल परछावे वांग तुरी फिरदी रहिंदी। ते छोपले जे आके मेरी कलम दे जरिए कागज से उतर जांदी। देख टोली मैनू ना अज एक नवी नजम दी आमद हुई है, सुनेगी? लै फिर सुन। चुप रहा ता वाजा मारे, बोला ते वो बोले ना, रोंदिया मैनू जर ना सके, दिल फुला ता फुले ना। शोभा चंद्रा रुग भर लैंदा, पीड़ा दे परागे चो मश्करियां कर, मश्करियां कर कड़ूसा छड़े, पर मुठ पीड़ा दी खोले। चुप रहा ता वाजा मारे, बोला ते ओ बोले ना, शिखर दुपहरे पीड़ के बैठे, इश्क गड़ी दे पीड़े बूहे। चीतां विचो चातियां मारे, प्यार दी ताकी खोले ना, चुप रहा ता वाजा मारे, बोला ता ओ बोले ना, रोंदिया मैनू जर ना सक्यो, दिल फुला ता फुले ना। टोली अज हुंदी ता शीशे च वेख के मैनू कहिंदी, कुकू जी सुनियो पग बंदी तुहानू अजे भी नहीं आई, देखो ना सारे यार उन्हें पंजाबी फिल्मी टप्पे से माहिए गा गा के मेरी पग बनवा दे। मैं तो अजे गुण बनाना शुरू करना कि उन्हें अगला टप्पा भी चुका। चलो
आज भी गा के देखते हैं। की पता वो आ ही जावे। कोठे ते आ माया, कोठे ते आ माया। चढ़े सानू मुख दिखला माया, असा चन गवा कीता, असा चन गवा कीता। मोतिये दे फुल मरगा, दिल तेरे ते फिदा कीता। मोतिये दे फुल मरगा, दिल तेरे ते फिदा कीता।
लाल चूड़ियां पाके तो मेरी डॉली मेरी लाली जी लगती सी। मैं कम तो आना कचहरियों तो नाल क्लाइंट्स ने भी आना ते नाले मुंशी ने भी आ जाना पर आफरीन ओदे प्राउन चाली दे मजाला कदे मथे वट पाया हुए उन्हें बड़े ही प्यार ना सारे अनु बिठा के खाना परोसा। पूरी अन्नपूर्णा सी बीबी पुरता पकाना भी खुद ही ते खाना भी खुद ही लंग चली ओ रात वे सजना लंग चली ओ रात दीवे दा तेल मुख चलिया तारे छड चले ओ साथ वे सजना लंग चली ओ रात लंग चली ओ रात वे सजना लंग चली ओ रात दीवे दा तेल मुक चलिया तारे छड चले ओ साथ वे सजना लंग चली ओ रात रात हिजर दी ककर लूनी चेतिया दी लख तुखाई तोनी पर यादा दे सेक मठे तो जिस्म न ताया जाए कोई गीत न गाया जाए हिजर ककर ठंडा पिंडा किस नाल करा बात वे सजना लंग चली ओ रात वे सजना लंग चली ओ रात पर सिदका दी गागर ऊनी कुट कुट सा लवा मैं होके पर सबर छलक ही जावे मन विचलित हो जावे सिदक न्याणा अकलो काणा किस नाल करा बात वे सजना लंग चली ओ रात वे सजना लंग चली ओ रात देर दलासे गुजर आई यादा दी पर चंगेर ले आई वसला दी मिठास कोलों भी हिजरी कुड़तन जरी ना जावे दिल विचलत हो जाए चुभ मियां यादा हिजर कसैला किस नाल करां बात वे सजना लंग चली ओ रात वे सजना लंग चली ओ रात रात गए जे बौड़ भी आयो रुत वसला दी मोड़ ले आयो जेड़े सा हिजरा खा ले ओ कितों मैं मोड़ ले आवां चौना हां हिजरी मर जावां बुझया दिल गुल होया रीजा केड़े मुही करा मैं बात वे सजना लंग चली ओ रात वे सजना लंग चली ओ रात हुण पावे मुड़दे पैरी मुड़ जा जां कसैली गुजर नाल जुड़ जा हुण क्यों कर जिसम तपावां
क्यों कीरने नू सद सोला बुलावा, चंगा होवे जे हिजरी मर जावा। बुझी रूह ठंडा पिंडा, केड़े मूही करा मैं बात वे सजना। लंघ चलियो रात वे सजना, लंघ चलियो रात। बर्फी सारिया च वंट दो। हाँ भाई, कोई बगैर खादा ना जाए, पूरी वंटे। हाँ डॉली, जिन्हें जो बर्फी खाते हैं उसे सोना जहा भंगड़े वाला गाना ला दो। तो पता ना तुम कि सोना गिद्धा पाते होंगे सी, तो हम क्यों हो गया भंगड़ा पावा ना ते चंगे चंगे गबरू थक के बह जान। फिर यार हुणी नचदे
रीझ तेरी ने सोच मेरी पैरों भारी कीती वे लगदा ऐतकी फिर जमणगे गीत बड़े दुखियारे वे दीदियों तिलकिया खारा मुड़का गलते पैर कुरलावे वे जीकण ता मापन लग्या तंदूर पुब्बा मारे वे कोसियां यादां दी त्रेल लूनी दिल दी छपड़ी पर जावे वे विच औड़ा अचनचेत ही गमा दी हर डोडी खिड़ जावे वे यारा महफल सद यारां दी साथों बिलख दे गीत गवाए वे दुनिया दे दिल पर जावे खातर असा दिल दे पड़छे लाए वे हथी फूके यारां नूं वी दिल मोया मनणो कतराए वे त्रबक उठ बै अद्धी राती मुर्दे हेकां ला बुलाए वे फूड़ी पाई जद शब्दा ने रोंदे वाक नड़ोए आए वे पीड़ा दे गल लग उच्ची उच्ची वैन गीता ने पाए वे वैन गीता ने पाए वे शाम हो चली है हुण ते तू एक बार सिर्फ एक बार मिलन आ जा तस आवेंगी ना सुन मेरी आखरी अर्ज़ोई तेरी उड़ीक दे नाम कर पीड़ा इकट्ठिया मैनु शिवपुरी नु तोर पल्ले बन देवी गीत मेरे
मेरे खुनों ना जावन डोर आग छड़ी चार्ज नू के चल स्वाद दी मारे मैथों पहलो एक एक करके मेरे गीत सबे साड़े जे कोई चदरा कूक पवे चित छड़ी अंडोल मैनू शिवपुरी नू तोर लांबू दे पांबड़ दे बुले मेरे बोल ने उड़ पड़ जाने हवा कीरनिया दे चखड़ी ए चंद्रे ना वर्जे जाने जे मड़िया च कोई लब्बे रोलदा मिद छड़ी ओ अडोल मैनू शिवपुरी नू तोर नेड़ोए आए हर तत्ते गम ते कोसे हंध दा छट्टा मारी मड़ी मेरी दी स्वाद तपदी नू हर आशक दे दिल खिलारी जे कोई दिल लू जावे ता वरा देवी ओ अणभोल मैनू शिवपुरी नू तोर औड़ां दी रुत्ते जद होवण वसली छप्पड़ सुके तू मेरी वरे गंड मनावी हिजरां दी तान कनातां बिरहों दी बीड़ रखावी गमां दे लंगर वरतावी हंजुआं दी छबील लगावी हर पीड़ नू मेरे कर सदी वांग मकाना गलनू तुलावी पांदे दी था चार्ज सदके कीर न्या दे शब्द सखावी मेरी वरे गंड मनावी निपतरे रुखा दी कोसी छावे बै पर्दियां लूहा सेकी बन पिपला दे लक नू मौली शिवपुरी नू मत्था टेकी हर ठीकर नू मत्थे लावी हर ठीकर विच जीवन वेखी बै लागे किसे मठे लांबू दे ठरदा जीवन सेकी हर चांगर नू सोला जानी हर ताग करनू लामी ते मेरी सालगिरह मनानी ते मेरी सालगिरह मनानी। ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ
किते भी नहीं जानता। प्यार हमेशा मुड़ के आता है, कदी सुपनिया दी आवाज बन के, कदी किसी दिल दी मुराद बन के, कदी बर्फी दी मिठास बन के, कदी ढोल दी थाप बन के, कदी सारंगी दे तार बन के, ते कदी किसी बेमानी दा जाम बन के, कदी आस ते कदी उम्मीद बन के, कदी विछोड़ा ते कदी उड़ीक बन के। पर प्यार हमेशा मुड़ के आंदा है, एदा कदी किते भी नहीं जांदा। प्यार हमेशा मुड़ के आंदा है। ਦੁਖਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦਾਰ ਨਾਟਕ ਉਡੀਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਲਈ, ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਲਈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦੁਖਰਾ ਜੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਛਾ ਜਗਾਈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋਚਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਲੋਚਣਗੇ। ਸੋ ਜਤਿਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਲੁਤਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫੂੜੀ, ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਹੋਰੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਬੰਧ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਕੁਝ ਕਦੀ ਗਜ਼ਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਲੁਥਰਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾ ਲੁਥਰਾ ਜੀ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਚੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਨੀ ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੋਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਸਟੇਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂਡੇ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਸਟੇਜ, ਰੇਣੂਕਾ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਸਟੇਜ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਕੈਰੇਕਟਰਸ ਨੇ, ਕੁੱਕੂ ਜੀ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਜੀ। ਰੇਣੂਕਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੇਣੂਕਾ ਜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮਾਈ ਫੋਰਟੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੈਦਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਜਸਟਿਸ
टू सरज पोएट्री और नॉट, बट मैम ने कहा तुम आ जाओ सर खुद तुहानू रिसाइट करके सुनावांगे, तो मैं चली गई। मैं सिर्फ चाह पीन गई सी तो सिर्फ बर्फी खान, मैं पता सी मैं कुछ नहीं कर सकना। फिर जब सर ने सुनानी शुरू की, सब तो पहला मेरा चाह का कप जरा वो टेबल पर रह गया, फिर मेरी बर्फी भी नीचे रह गई। वो बाद जेडे अर्थ सी ते जेड़ा दर्द सी सर दे शब्दां च, असी मतलब मैं कभी सोचिया नहीं सी कि मैं गूज़बम्स होंगे। तो मैं जाके वापस उसी रात ये छोटा जिहा प्ले पंजाबी च फस्ट टाइम लिखिया। थैंक यू सो मच। तो ये एक दूसरे नू उस दिन बुला रहे सी, एड्रेस कर रहे सी कि कुकू जी थोड़ी ना जी चश्मा है ना वो टेबल पर पिया, तो ये कहते डॉली तुसी देखो कौन आया, मैं तो हजे रिसाइट कर रहा। तो वो कुकू जी दे डॉली जी का जी इन्हों की आपस की केमिस्ट्री सी वो मेरे दिमाग च रह गई, तो मैं सोचा कि कैरेक्टर्स का नाम भी असी कुकू जी ते डॉली जी रखिए। was the first reason to do this. Second भी बहुत बड़ा कारण है कि आज मैं सुरजीत पात्र सर के सामने परफॉर्म कर सका, ये मेरी बहुत बड़ा सपना है। सर थोड़ी खुद की लिखी हुई लाइन है, ये थोड़े नज़र है सर, ये कोई गीत नहीं है, ना ही ये कोई गज़ल है, तो ना ही किसी कविता की कोई अधूरी सतर है, ये तो तेरे तक पहुँचने लिए लफ्ज़ों का पुल जिहा है। तो सारे प्रेजेंटेशन सर ये रीजन सी सर। तो बहुत सोहनी बहुत ब्यूटीफुल चंडीगढ़ ब्यूटीफुल दी बहुत सोहनी ब्यूटीफुल ऑडियंस आज इतने बैठी है। तो किसी भी कलाकार ले एक कलाकार कायम होता है बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। सो आज दो लाइना मैं ऑडियंस के लिए कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ थोड़े लिए है। दरियाओं के धारे हैं, दरियाओं के धारे हैं, तुम मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं, तुम मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं। थैंक यू सो मच। एंड नाउ आई वुड रियली लाइक टू सी देखा होना कि द नरेटर्स निशा लूथरा का सिर्फ ना है उत्थे डायरेक्टेड बाय मी, बट इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज टीम विच इज़ ऑलवेज बिहाइंड अ गुड प्रोडक्शन। सो फस्ट ऑफ ऑल ये रहे साडे रियल कुकू जी ते डॉली जी। हुण मैं बुलाना चाहती हाँ साडे कुकू जी जेडे बलकार सर ने, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज़ यू नो वाइस चेयरमैन CSNA, ही इज़ सेक्रेटरी लेखक सभा, बट एक्टर भी ने ते डांसर भी ने परफॉर्मर भी ने, बट जब मैं इन्होंने नाल काम किया इन दिन असी रिहर्सल की, आई केम टू रियलाइज दैट ही इज बेहतरीन इंसान किस तरह बनिया जाता है वो सिर्फ बलकार जी तो कोई सीख सकता है। सो डॉली जी साढ़े वो भी सब सारा शहर उन्होंने जानता है, शी इज़ अ पोएटिस्ट, शी इज़ अ आर्टिस्ट, डॉली जी एमी सिंह। इट वॉज हर फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज एज एन एक्टर and she did such a brilliant job, so proud of you, so proud of you. Assistant director Mr. Rajan Bhateja, he is a man who never says no to anything. You say ki main chand banana hai the wo bhi bana denge, say Mr. Rajan Bhateja, he has been with narrators from the inception. Mr. Ravi Kohar, Ravi ji aajo stage pe, Ravi Kohar one man army ne, te Lucky Lokesh स्टेज मैनेजर्स प्लीज कम ऑन स्टेज, लकी लोकेश प्लीज टेक अ बाउ कम, ते लाइट्स मेरे नाल ऑपरेट करे से बनी जी, उन्हां दे बिना कुछ नहीं हो सकना सी। थैंक यू सो मच बनी जी, थैंक यू राम जी, प्लीज आ जाओ राम जी, आ जाओ अगे आ जाओ। ते राजेंद्र जी साडे ढोली महाराज किथे ने, प्लीज आ जाओ ढोली जी, वाह जी वाह। सो मेकअप फॉर डॉली जी, डॉली जी ने मैनू याद कराया वो किस तरह से भूल सकते,
नीना जी इज नॉट हियर, शी हैड टू गो, जिन्हां ने मेकअप किया है, बट उन्हां दी गर्ल्स इत्थे ने, कोमल, कोमल प्लीज कम, कोमल एंड शिवानी, दे वर हेल्पिंग द दुल्हन टू गेट रेडी. सो लेट्स टेक अ बाउ. So let's take a bow, sir. Sir, we will all take a bow. Thanks, sir. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सारी टीम का. मैं निशा लुथरा जी नूं और दोनों कुकुआ नूं ते दोनों डोलियां नूं कहूंगा कि वो मंच ते रहिण. बाकियां दा बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ जी, रुको रुको रुको. सो मैं पात्र साहब और एक बार द्वारा तकलीफ देंगा कि वो मंच ते आउण. पात्र साहब, रियल कुकू जी ते रियल डोली जी, स्टेज वाले कुकू जी ते डोली जी नूं फुल्लां नाल, गुलदस्तियां नाल, गमलियां नाल सन्मानित करना चाहते ने. उहदा मैं कारण भी अगे जाके गिणावांगा. सो मैं डॉक्टर पात्र साहब नूं बेनती करांगा कि सब तो पहला निशा लुथरा जी नूं, ते फिर उस तो बाद बलकार जी. जिहड़े साडे लई माण वाली गल है कि बलकार साहब अज जिहड़ा समागम रखा गया पंजाबी लेखक सभा उहदे प्रधान जी, सो बलकार सिद्धू जी, ते उस तो बाद एम जी सिंह जी. सो बहुत 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 मुबारक मौका, बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी, तुहाडा, बलकार जी ते एमी जी. मैं एक गल दावे नाल कह सकदा कि अज कई ने अपने मोबाइल च नाम बदल लेने ने. सलवान जी ते मैम थोड़ा अज तो हुण मार्केट तुहाडा नाम चला गया कि कुकू जी ते डोली जी. बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई. लो अगले पड़ाव वल वधदे हां. शुक्रिया जी, अपना अपना स्थान लवांगे असीं. उस तों बाद दुबारा फिर पात्र साहब तुहानूं मंच ते सद्दांगे. हां जी, हाँ जी, वो बात तुम ये लगे रहना, सैट भी लगे रहे, सानू कोई इतराज नहीं गा, जेकर तद तक लगे रहे चंगा लगेगा. उस तो पहला असी चाहवांगे कि तीन मिनट का असी जिहड़ा वो दिखाउणा इस नू. हाँ बस, हाँ जी बस, लो एक होर जिहड़ा अगला पड़ा है, तीन कु मिनट का है. उहदे विच उंज भी शर्मा होरां वल्लों पिनाका मीडिया उन्हां वल्लों तैयार की गई इसे फुड़ी किताब के उत्ते एक तीन कु मिनटी डॉक्यूमेंट्री कह सकते हो, तुसी फिल्म कह सकते हो, ट्रेलर कह सकते हो किताब का, क्योंकि लोक अर्पण अजे होना है. सो लो देखो पिनाका मीडिया वालों. डाके लाई फिरदा रहा सदर जून दी, सदर दे जून दिया जी ही मुक गई है जिंदगी. आपको ता चंद्री जूंदी रही मुक गई है जिंदगी. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी शर्मा जी ते पिनाका मीडिया का जिन्होंने ये सारी पेशकारी तैयार की थी. सो कुकू जी हुण फिल्म अदाकार भी हो गए ने लेखक के नाल नाल. बहुत बहुत बधाइया जतिन जी, वाह कमाल. सो ये इस पेशकारी के अगले पड़ाव जो वधीए असी किताब लोक अर्पण, जिस काज लई ये सारी भूमिका बनी गई, ते हुण उस रसम वल असीं वध रहे हां. मैं जिथे सब तो पहला पंजाबी लेखक सभा के प्रधान बलकार सिद्धू जी होरां नूं बेनती करांगा कि वह पात्र साहब होरां नूं लैके मंच ते आउण, ते किताब के लेखक जतिन सलवान जी ते रेणुका जी होरां नूं बेनती करांगा कि वह मंच ते आउण. नाल मैं साडे देश की आर्मी के मुखी रहे मलिक साहब नूं बेनती करांगा कि वह मंच ते आउण कि असीं किताब लोक अर्पण की रसम अदा कर सकीए. सो पद्म श्री डॉक्टर सुजीत पाता जी, जनरल बीपी मलिक जी, ते उन्हां दे नाल ही मैं डॉक्टर परविंदर सिंह जी होरां नूं भी बेनती करांगा कि उह मंच ते आउण, असीं किताब लोक अर्पण की रसम अदा कर सकीए. तुसीं सारयां ने एक नाम बार बार इस नाटक सुनिया, सो इसलिए एक हकीकी रूप दे विच साडे विचकार डोली गुलेरिया जी ने, मैं जोरदार ताड़ियां नाल उन्हां नूं भी मंच ते सदना चाहवांगा. डोली गुलेरिया जी, सो जिहड़े बहुत बहुत स्वागत है गुलेरिया जी. इस नाम तो भी असी वाकफ हाँ, इस बोली तो भी असी वाकफ हाँ, ते जिस माँ ने
इन्हों शब्द दिते ते जिस बोली ने इन्हों उस लायक किया उसू याद करते हैं निघा स्वागत करते हैं। सो लोग किताब लोक अर्पण की रखा कर जा रहे हैं कुड़ी के लोक अर्पण से सा हरदीप चांदपुरी जी पहुंचे हुए हैं। सो मैं उन्होंने भी मंच से सदना चाहवागा कि चांदपुरी जी तुसी भी मंच से जरूर आओ। शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मुबारक। मैं पात्र साहब होर जतन जी को चाहवागा कि वह मंच से रुकन। सी जे सिंह सीओई जिहड़े साडे पी आर ने मैं उन्होंने बेनती करांगा उन्होंने ये सैशन चलाना। पर मैं दस दिया कि पात्र साहब नाल भी इस किताब बारे भी गल होगी उन्होंने लेखनी के हवाले नाल क्योंकि जो मैं जतन जी होर बारे देख रहा था पेशे तो वकील ने उन्होंने इस किताब के शब्द भी लभ लिया जो साड़ी सियासत कारण तार पार चले गए सरहद पार चले गए वो शब्दों भी इस किताब च उन्होंने संभालिया जिहड़े किते गवाच गए उन्होंने भी सांभण की कोशिश की। सो वकालत दे नाल नाल वकील होने दे नाल नाल शब्दों नाल मोह अपनी बोली नाल मोह पंजाबी हिंदी और उर्दू तिने भाषावां चों लिखते हैं तो इस दे नाल नाल वातावरण प्रेमी ने इसे लिए उन्होंने अज चुनिया कि असी अपने मेहमानों नूं तोहफे भी वो फुलां वर्गे हरियाली वर्गे गमलियां दे रूप देने ने जिहदे विच मैम रेणुका जी होरां दा बहुत वड्डा योगदान आ कि वह घर भी इसे रवायत नूं कायम रखते हैं। तो इस लई मैं हुण बिना किसी देरी तो माइक दे रहा साढ़े जिहड़े सारा सैशन चलाउणगे सी जे सिंह जी होरां नूं। सो हुण माइक उन्हां दे हवाले आ 10 to 12 मिनट का सैशन होएगा जिहदे विच गलबात होएगी तो उस तो बाद जतिन जी तो असीं नज़म भी सुणांगे पर उस तो पहला असी चाहवांगे कि इस नाटक नूं लैके इस किताब नूं लैके उहदे उत्ते सब तो पहला एक संखेप टिप्पणी असी पात्र साहब दी चाहुंदे हां। उस तो बाद सीजे सिंह जी सैशन शुरू करनगे पात्र साहब। सो प्यारे दोस्तों तुसी पंजाब आर्ट्स कौंसल दे ऑडिटोरियम नूं अपने रंगां नाल लबालब भर दिता तां सब नूं मैं पंजाब कला परिषद वालों जी आया नूं आखदा बहुत चंगा लगा तुहानूं सारिआं नूं देख के बहुत प्रभावशाली और बहुत सोहजमई तरीके नाल अज दी अज दा प्रोग्राम जिहदे विच निशा लूथरा दा निर्देशित नाटक उदीक उहदियां छोहां उहदे दृश्य उहदे बोल बड़े अच्छे लगे और इन्हां दो शख्सियतां नूं बलकार नूं और एमी सिंह नूं स्टेज पर देखना भी बहुत अच्छा लग्या। मैं जदों देख रहा सी मैं डॉली वल एक्ट्रेस वल देख के मैं कहा बिल्कुल एमी वर्गी लगती है तो क्योंकि स्टेज पर जो बंदा कैरेक्टर बनता तो उहदे च बहुत तब्दीलियां भी आउंदियां सो उस कैरेक्टर का रूप बनता तो बहुत अच्छा लगा। बलकार दी जी टैलेंट मल्टी और जिस तरह बहुत प्यारा निघा दोस्त इंसान और बहुत टैलेंटेड तुसीं आपां सारिआं देखिआ और इस तरह एमी भी बहुत अच्छी पोएट बहुत अच्छी एंकर भी और इहदी डाक बड़ी मशहूर हुई जिहड़ी इहने चिट्ठी लिखी सी तो निशा लूथरा नूं मैं पहली बारी मिलिआ देखिआ और बहुत अच्छा लगा कि निशा ने इन्नी अस्थैटिकली इन्हों डायरेक्ट किया। तो मैं कहना हाँ कि जदों पंजाबना पंजाबी बोलते तो होर सोहनिया हो जाएं और सिटी ब्यूटीफुल भी होर सोहना हो जाता क्योंकि एक अपनेपन का एहसास हुंदा। मैं वैनकूवर गया तो उत्थे लिखा सी गुरमुखी जी वैनकूवर तुहाडा स्वागत करता है तो मैं एहसास होया कि मैं जिवें प्रदेश च आया ही नहीं तो यह कि अब जिदा जिदा तुहानूं अपने चेहरे देख के पग्गां चुन्नियां देख के लगता कि यह मेरा देश आ इदां तुहानूं बोलदे सुन के भी लगता कि हाँ यह मेरा ही देश आ मेरा ही पंजाब है।
सो बहुत अच्छा लगा ये सारा माहौल। और जिस तरह रेणुका जी ने जतन जी ने इसनू सोचा कॉन्सेप्टलाइज किया और इसनू सारे नू पेश किया बहुत अच्छा। तो मैनू ओही एक हास्य की गल याद आ रही थी कि कवि एक दिन असी मैं अपने घर बैठा सी तो मेरी वाइफ समझो कि मेरी डॉली होर तो मेरिया जानी बड़ी चीज़ा बहुत अच्छी तरह गाँवी भी है तो बहुत पोइट्री नू प्यार भी करती पर कभी कभी जो मेरे ते फिर गुस्सा हो फिर यह गल कोई कर दी है। तो वह गल इदा हुई कि साढ़े घर कुछ मेहमान आए हुए सी तो चाह पी रहे तो वह पुछन लगे भूपिंदर नू मेरी वाइफ नू कि भैन जी तुहाडे घर च कोई होर भी लिखता। भूपिंदर कह लगी जी होर तो सारे ठीक ने। सो तुसी ना ठीक बंदियां नू इन्ना प्यार दे रहे मैं बहुत बहुत खुशी बहुत ही प्यारी गल है। और जतन होना दी मैं जदों बहुत चिर पोइट इन्हां दे खरड़ा मेरे को रहा तो मैं फूड़ी बंदी देखता रहा। सो जतन सब तो बहुत ही खूबसूरती है दो खूबसूरतियां ने एक तो आप कहने कि बई असी कहने कोई बहुत ही शायरी इस किताबी जी लभदी है कि किताबा जो पढ़ के असी लिख लिखी जाने किताबा वर्गी तो जड़ी शायरी दिमाग चो पैदा हो दिमाग से बढ़ती है जड़ी दिल चो पैदा हो दिल से जाती है। सो जतन की शायरी है दिल की हूक वर्गी शायरी है ये बहुत अच्छी गल है कि इदा लिखना वरना जिदा मैं जो 23 साल का सी मैं संत सिखों मशहूर पंजाबी दे क्रिटिक सब तो वड्डे क्रिटिक मैं कह लगे मुंडिया तू की लिखता हुंदा मैं कहा जी मैं तो कविता लिखता हुंदा वो कहिंदे कुछ होर भी लिखिया कर कविता का की पता आवे आवे ना आवे। सो कविता एक आप मुहारी है जे आप मुहारी ना आवे तुसी कोशिश करके लिखो तो कविता नहीं बनती कई बार साल दर साल कवि कविता नहीं लिखता कभी इको तड़के बड़े तड़के उठ के पांच छे कवितावां लिख दिंदा। सो इन्हां दी भी दिल दी हूक चों पैदा होण वाली बड़ी स्पॉन्टेनियस आप मुहारी कविता। और दूजी गल है कि जो इनकी शब्दावली है वो शब्दावली तुहाडे अपने सबकॉन्शियस चों आउंदी है साडे अचेत चों आउंदी है कि कविता जिहड़ी आ वो कॉन्शियस ते सबकॉन्शियस रल के ही लिखदे आ कि सबकॉन्शियस कुछ चीज़ा अंदरों उछालदा कुछ हूकां कुछ इमेजेस तो कॉन्शियस उन्होंने संभालदा। सो इन्हां दी जिहड़ी शब्दावली आ बहुत इन्हां दे बचपन दे सुने शब्द वो सारे इच्च शामिल ने जो इन्हां दे अपने अनुभव शामिल ने। और शिव कुमार दा तुसी एक बहुत खूबसूरत असर लभ सकदे हो जतन ते कि जतन बहुत गहरी तरह जानी शिव नू अपने समाउण वाला कवि आ। और इहदी मौलिकता भी बहुत है मतलब मौलिकता इदा है कि जिहड़ा इन्हें कोई शिव तो इमेज नहीं लिया ये तो सारे इमेजेस अपने इहदी मौलिकता। और जो इदा दी पोइट्री साढ़े सामने होवे तां अच्छा लगता कि हाले असी साढ़े दिलां अंदर पंजाबीयत जिंदा साढ़े दिलों अंदर मुहब्बत जिंदा साढ़े दिलों अंदर बंदियां दे अंदर बंदियाई जिंदा असी अजे पत्थर नहीं हुए असी अजे मशीना नहीं हुए। सो बहुत अच्छा लगा ते अखीर ते सिर्फ मैं तुहानू एक होर हास्से दा टोटका सुना के फिर गल बंद करदा कि शिव एक टीचर कोई साइकिल ते जा रहा तो उन्हें दो थैली उन्हें नाल टंगे हुए तो कोई मिले कहिंदा जी इत्थे की टंगिया थैलियां च वो कहिंदे भी इहदे च एक थैले च पखड़ा तो एक जे बुघाट वो कहिंदे क्यों चुकिया कहिंदा अज मैं शिव कुमार की पोइट्री क्लास पढ़ाउणी आ। तो शिव कुमार की एक लाइन है कि जिन्हां खेतां विच बीजे सी मैं तारियां दे बीज उन्हां खेतां विच पखड़ा बुघाट टुकिया हुण कहिंदा बच्चिआं नूं किसे नूं पखड़ा की हुंदा बुघाट की हुंदा मैं थैले लै चलिया। सो ये भी एक जानी कमाल की गल है कि वह लफज वो
कई बार चीज़ा चल जा खूह चले गए है ना, पर अजे तक साढ़े मन टिंडा घूमदिया रहा निसार च पानी पैंदा रहा है ना। ज गुरु नानक की पोइट चाहता कि जैसे हर हटकी माला टिंड चलत है कि ओ बिंब के आवा आवा गवन जो जिंदगी का इदा ही है जिम्मे हर हटकी माला। सो कवि गए हुए बीत्या भी संभाल के रखते हैं उन्होंने कवितावान शब्द जूंगे रेंदे आ शब्दों का लोक परलोक सातों वक्रा होंदा। सो इन शब्दों मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना निशा जी नूं अपने एक्टर एक्ट्रेस नूं और जतन जी नूं रेणुका जी नूं सब नूं बहुत बहुत प्यार ते धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जदों तो ये प्रोग्राम शुरू होया निशा गुप्ता जी ने जिस तरह जतन जी की पोइट्री नूं इंटरप्रेट करके साढ़े सामने लिया, मेरे ख्याल इस तो ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी इंटरप्रिटेशन जो की गई है वो एक बड़ी दिल दे नाल और जो दिल की गहराई दे नाल जो जतन जी ने लिखा है वो साढ़े सारे दे दिलों नूं छू गया। तो सुरजीत पाठक जी ने एक बहुत ही अच्छी गल दसी कि जिस वेले इस किताब नूं उन्होंने पढ़िया तो नवी शब्दावली दे जो यूज है इस पंजाबी भाषा दे विच जतन जी ने कीता है वो एक बड़ी वक्री तरह की है और शायद वो साढ़े अज मां बोली दे विच उन्हों वर्त्या नहीं जाता और वो शायद एदा जो टाइटल है किताब का वो उतों ही शुरू हो जाती है। असी फुड़ी दे बारे सोच रहे हैं, किताब का नाम फुड़ी है लेकिन सानू बहुत सारियां नूं ये नहीं पता कि एदा मतलब की है। तो मैं जतन जी नूं पुछांगा कि पहले वो इस उत्ते कुछ चानना पान ते दसन के फुड़ी दा असली मतलब की है। फुड़ी शब्द जदों पुराने जमाने आई तो 40-50 साल पहले पिछे देखो किते पिंड च मर्ग हो जांदी ते कोई ये नहीं सी कहिंदा भी फलाने दे घर मर्ग होई है, बल्कि लोग कहिंदे भी साडे पिंड दी विच मर्ग हो गई है, कि जवान मर्ग हो गई है, एक बच्चा चला गया। उस मर्ग दे लई पिंड से 16-16, 17-17 दिन सोग चलता, घर दे बैठक विच सुफे विच बाहर गली विच दरी बिछाई जांदी, सारा पिंड उत्थे बहिंदा 17 दिन तक उस परिवार नूं नाल कंपनी दिंदे ताकि उन्हां दा गम जिहड़ा कुछ कटे। जिहड़ा वह इकट्ठ हुंदा सी वो इकट्ठ नूं फूड़ी कहिंदे। हुण तो हालात जिहड़े ने बदल गए हैं, किसी नूं इनफॉर्म करो भी फलां फलां जगह ते मर्ग हो गई है तो बंदा पहला ही पुछदा भी इहदा उठाला किधर। ये उदों दीआं गल्लां जदों लोग दुख नूं सांझा करते सी, फिर उहदे बाद ये जिहड़ा वर्ड है फुड़ी ये मुहावरे वाकण भी यूज होंदा रहा। जे किधरे 5-10 जवान मुंडे एवें धौन सुटी बैठे हो चुप करके तो मामा कहते होंगे असं भी चंद्रे कल फूड़ी पाई कोई काम करो। फूड़ी जोड़ा वर्ड है ये एक उस सोग दे नाल और पीड़ा की सांझ दे नाल जुड़िया शब्द है। लगता है कि कितने ना कितने ये शब्दों का यूज साढ़े सोशल और कल्चरल माइल्यू जोड़ा है वो जो बदलाव आ रहा है शायद वो क्योंकि वह रस्मां नहीं रही वो साढ़े पिंड एक अपना जो अपनापन से किसी होर के घर कोई दुख दे शामिल होता शायद वो नहीं रहा तो इस करके इन लफ्जों की जी यूसेज है वो घट गई। चरणजीत जी जी तुम किया भी पिंडा का नहीं रहा, मैं पिछे किसी अच्छे जिमीदार मिलया तो कहता हूँ पिंड ही नहीं रहे जिदे जिदे
तीन मुंडे सी, एक फॉरन चला गया, एक नशा करके मर गया, तो दूजा नशा करता है। पिंडां दे विचों गल ही नहीं रही। पिंड ही हुण जिहड़े पिंड ने शहरां वर्गे हो गए ने, किसी जिमीदार का मुंडा खेती करके राजी नहीं। पिंडां दे विच वसदा कौन है? पिंडां च जाओ तो पिंडां दे विच सिर्फ बजुर्ग रह गए हैं, जवान तो मुंडा पिंड च नज़र ही नहीं आता। तो सांझा कादियाँ तो कादे मेल तो कादे मिलाप। सो ये सभ्याचार चों ये जरा पंजाबी भाईचारा सी ये उड़ता जा रहा है। इसलिए मैं ये बहुत कुछ किताब के विच इन्हां लिखण की कोशिश की थी। इस किताब वाल आइए तो यू नो किसी भी ऑथर लई, राइटर लई, एक पोएट लई बहुत ही एक की कहते सिग्निफिकेंट पड़ा होंदा है कि उहदे विच जिहड़ा उहदा प्रीफेस है या उहदी जो मुख बंद है वह कोई एक अच्छा राइटर लिखे। इहदा तुसीं अपने पातर साहब नूं किस तरह चुनिया और किस तरह मिले और इस लिखण दी जर्नी दे विच? ਇੱਥੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਿਰਸਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਈ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਬੰਧ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਬੰਧ ਲਿਖਣ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਇਆ ਇਸ ਇਹਦਾ ਮੁਖਬੰਧ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਤਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ 500 ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਸਾਲਕ ਮੀਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਲਕ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਟਿਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਸਹੂਲਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਐਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼
पोइट की लिखी पोएम हो गए कि बंदे की पोइट्री है वह मेजर जो जो आधार है वह बंदे दियाँ जिन्होंने कहना कि सरगम है पा जो आखिर गैमिट ऑफ इमोशंस कि वह गैमिट की है कि साढ़े सारे कामना है साढ़े सारे चे ममता साढ़े सारे चे ईगो साढ़े सारे चे खौफ साढ़े सारे विच एक न्याय की सेंस कि एक जी गैमट है यो सदियां तो बंदे दे अंदर है सो जी पोइट्री इन गैमट ते लिखी गई हुंदी है उहदी अपील बेशक वह ग्रीक पोइट्री होवे ते जो साढ़े तक समझ वह सानू साडी लगती है सो इस पोइट्री की मैं एक गल लगी कि जी ये पोइट्री एक उस विषय नाल प्यार दे विषय नाल संबंध रखती है जिहड़ा कि मेरे ख्याल से कभी पुराना नहीं होगा उहदे रूप बदलते रहेंगे शेड्स बदलते रहेंगे लेकिन ये हमेशा एक चीज़ रहेगी तो दूजी जो मैं पहले कहा कि इस कविता इस पोइट्री की शब्दावली ने मैनू खास तौर पर खिंचया जो मैं कभी कहा कि जिमें शिव कुमार वैसे वियोग का कवि है जिमें यह भी वियोग के कवि ने बहुत तो पर इन्हां दी पोइट्री च एक भाषा का बड़ा वड्डा संयोग है कि बहुत पुराने लफ्ज आके विच मिलदे आ लफ्ज इक रौनक ला दा रखदे कि जिहड़ी सोए दे विच वियोग तां है पर उस वियोग नूं इक इन्हां ने शब्दां दे संयोग नाल भरिया एक विछड़े हुए शब्दां दे संयोग नाल भरिया सो इस कविता दी मैनूं सब तों वड्डी खूबी यही लगी कि एक तां इह आप मुहारी दिल चो फुटी है दूसरी कि जी भाषा है वो जो अस कहने कि भाषा बदलती है बहुत मतलब भाषा ने बदलना होंगे भाषा को बदलना ही चाहिए जिमें कबीर जी ने कहा सीगा कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर कि जिमें जी जी लैंग्वेज अपने च होर लफ्ज ना आन दे खूह का पानी हो जाए कि हुण पंजाबी विच हिंदी च किन्ने लफज नवे आए समझ लो कि जो आप जिथे जे बंदोबस्त लफज पर्शियन का लफज है ना कमीज किसी होर दा अमेज किसी होर दा सो भाषा भाषा दे बदलन नाल कोई कोई तो शब्द कुछ चीज़ा चले गई उन्हें शब्द चले गए पर मुहावरे अखाण पर भी रेंदे आ बाकी भाषा थोड़ी जी इदा भी बदली है कि साड़ी स्टेटस सिंबल बनती है कि किसी वेले पिंड आप ताप कहते कि मुंडे को ताप हो गया फिर अस बुखार कह लग पे फिर हम टैंपरेचर त्या गए जो कभी झग्गा सी फिर वो कमीज आ गई फिर शर्ट आ गई कि वो समय के नाल असं एक उन्होंने स्टेटस नाल जोड़ते हैं पर कभी उन्होंने स्टेटस नाल जोड़ के कविता नहीं लिखते कभी एक उन्होंने गहराइया चो लिखते हैं जिथे वह किसी के अगे अपने आप को वड्डा नहीं पेश कर रहे होंगे वो बल्कि शायद आप कटहरे च भी कई बार खड़े होंगे और अपन दुख दिया गहराइया चो लिखते और उन्होंने गहराइया चो फिर वो भाषा बहुत खूब जगह जी थोड़ी ये जो सफर है लिखन का ये कदों तो शुरू होया और कविता वल तुहाडा रुझान ज़्यादा रहा है शुरू तो देखो जदों मैं अपनिया डायरीज वगैरह देखदा तो मैं कुछ 1974 दियाँ भी लिखिया लाइन मिलती हैं ये सफर 70 तो ही चलता आ रहा है मैनू तो इंज महसूस होंगे भी जिन इस कविता के नाल ही मैं ग्रो होया और मैं जिंदगी दे पश्चिम वल नूं जा रहे हैं कविता नाल जवान होंदी जा रही है मैं बुढ़ापे वल नूं जा रहे हैं तो ये सफर जिहड़ा है जे मैं देखा जदों की मैं होश संभाली है ये सफर उतों तो ही मेरे नाल तुरिया जा रहा है पर इहदे पिछे कोई इंस्पीरेशन है कोई पोएट कोई ऐसा नहीं जिस पोएट देखो मैं बहुत ज़्यादा वारिस शाह और जनाब शिव कुमार बटालवी तो बहुत बहुत प्रभावित हूँ जो मैं रोमांटिक पोइट्री की गल करदा वारिस शाह दी हीर जिहड़ी है वो पोइट्री नहीं वो एक एपिक है
उहदे च समाज नूं हर पक्खों डील कीता गया। पर शिव बटालवी दी जिहड़ी पोइट्री है, उस पोइट्री दा जिथे तक रोमांस की गल है जां प्यार की गल है, जिहड़े शब्द यूज किए ने वह इमेजिनेशन तो बाहर है। वह सोचे नहीं जा सकता भी ये वर्ड भी हो सकते ने। किन्नी उस पोइट्री दे विच बॉटनी की नॉलेज है, किन्नी रस्मां रवाजां की नॉलेज है। तो मैं शिव बटालवी तो लाइक जिस तरह कोई भगत होंदा है उन्हें गॉड समझदा है, मैं शिव बटालवी तो इन्ना इंप्रैसड हाँ। उहदी पोइट्री जिहड़ी है मैं लिखदा, वह जिंज पंजाबी च कहिंदे आ भी चस चढ़ गई। जदों कोई डार्क कलर का कपड़ा धोंदे हो तुसीं नाल लाइट कलर के कपड़े धो देंदे हो, तो कई बार होंदा भी वह डार्क कलर का जिहड़ा रंग होंदा है वह माड़ा जिहा लाइट कलर के कपड़िया के उत्ते भी चढ़ जाता है, उन्होंने चस कहते हैं। तो मैनू भी एवं लगता है भी शिव बटालवी की पोइट्री पढ़ते पढ़ते जिंजे न पत साहब ने कहा भी कुछ बेयोग है, वो मेरे ते भी माड़ी मोटी चस्त चढ़ी है। तो इसलिए मैं शिव बटालवी शुरुआती जड़िया कवितावान है उन्होंने कोई ऐसी जी कि शुरुआती तो याद होए और तुसी शेयर करना चाहो। मैं चरणजीत जी ये समय समय तो लिखता सी जो कुछ वो मैं किताब के संजोया। साढ़े दो महीने बहुत अच्छे होंगे हैं, चेतर और कत्तक, उस बड़ी पैंती है। जो सवेरे जाओ मॉर्निंग वॉक पर तो जरा ग्रीन घा होंदा है उसके उस पई होंदी है, कोई बंदा जो उस तो लंघ के जाता है जे तुहानूं उहदे फुटप्रिंट्स पता होण तो तुसीं देख सकते हो अंदाजा लगा सकते हो कि कौन बंदा सैर करके जा चुका है। नहीं तो जो तुसीं उस गार्डन च एंटर करते हो दूर तक वो जिहड़े पैरां दे निशान ने वो दिखते हैं। मैं भी मॉर्निंग वॉक का बड़ा शौकीन हाँ, मैनू उस दे उत्ते वो पैरां दे निशान दिखे तो मैं दो लाइनां लिखियां कि त्रेड़े घा ते, त्रेड़े घा ते इंज ने ये पैरां दे निशान, त्रेड़े घा ते इंज ने ये पैरां दे निशान, हंजुआं तो जिवें तेरी याद निकल गई, हंजुआं तो जिवें तेरी याद निकल गई, एक चन यार हुंदियां संग रावां आख दे, एक चन यार हुंदियां संग रावां आख दे के मस्या दी रात वाकण जिंद मेरी निकल गई, के मस्या दी रात वाकण जिंद मेरी निकल गई। इस तरह होर भी कई पुरानियां गजलां हैं जिहड़ियां इहदे विच मैं लिखियां। एक होर एक गम ही तां है, एक गम ही तां है जो तुरों साथ निभा रहा है, एक गम ही तां है तेरा जो तुरों साथ निभा रहा है, जां परछावे वाकण चेता तेरा सामे तुरिया जा रहा है, तिखी तुप गमा दी, तिखी तुप गमा दी ते सोचां दियां तान छतरियां, तिखी तुप गमा दी ते सोचां दियां तान छतरियां, बलदे लूहे थलां विच्चों मेरा बिरहों लंघिया जा रहा है, बलदे लूहे थलां विच्चों मेरा बिरहों लंघिया जा रहा है, ओ दूर मेरी मंजिल ते,
ਉਹ ਦੂਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਓਲੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਓਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਗਿਰਜ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਓਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਗਿਰਜ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਗਰਜਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ, ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਆਣੋ ਨਾ ਹਟੇ, ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਆਣੋ ਨਾ ਹਟੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹ ਵੀ ਆਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹ ਵੀ ਆਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾ ਦੀ ਕੂਕਰ ਜਿਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾ ਦੀ ਕੂਕਰ ਜਿਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਹਿਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਹਿਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੁਰੋਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਰਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਕਿ, ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਧਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਤੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤੋ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੋਇਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਵ ਪੋਇਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਇਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪੋਇਟਰੀ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਸ ਫੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਥੀਮ ਤੁਸੀਂ
की समझते हो कि किदा तुसी इस नूं परोया है इन कवितावां नूं इस विच फुरी दे विच? बेसिकली ये सारी किताब उड़ीक आस हिजर बिरहों मछोड़ा ते ही बेस्ड है। मेरे ख्याल नहीं पात्र साहब ने तो मुख बंद लिखा है, इन्होंने बड़ी मन्यूटली उन्हों विचारिया फिर ही इन्होंने अपना मन बनाया भी मैं लिखांगा। तो पात्र साहब इस गल ते राजी होंगे भी इन्हों गलों तो चार शब्दों तो बाहर ये कोई ऐसी नज़म नहीं, ना तो मैं कोई नैशनल पोएम लिखी है, ना मैं कोई धार्मिक पोएम लिखी है। इस मुद्दे के उत्ते मैं लिखता जा रहा और अगे भी जो तक लिखता जावगा यही मुद्दे में ही अपना मुद्दा समझ के लिखता जाव। मेरे पता है कि सब दे मन विच भी बड़े सवाल होंगे, पर एक सवाल आई थिंक मैं होर जतन जी अखीर च पूछना चाहवागा कि जतन नूं किहदी उड़ीक है? देखो बड़ा तिखा ते मुश्किल सवाल है, पर यह है कि मैनू आप ही नहीं पता भी किस दी उड़ीक है, क्योंकि एक इस किताब के शुरू च एक शेर आता है, जदों तक मैं जींदा उदों तक उड़ीक जींदी है, मैं मर जाऊंगा तां भी उड़ीक जींदी रहेगी, उड़ीक ने किधरे नहीं जाना। कई बंदे आए उड़ीकां करके लंघ गए, कई आएंगे उड़ीकां करके लंघ जाएंगे। तो ये जिहड़ी उड़ीक है, जे मैनू पता हुंदा भी मैनू फलाने की उड़ीक है तो मैं आपे ही जाके उन्हूं मिल लैंदा, इन्ना इन्ना रौला ही की सी, इन्ना कुछ लिखण की गल की सी, आपां जांदे सिद्धा जाके मिल लैंदे, पर इहो जी कोई गल नहीं है। तो इसलिए किताब के शुरू च ही मैं एक शेर लिखिया है जिस तों तुहानूं ये लगेगा भी उड़ीक मेरे नाल ही जानी है। वो शेर है कि जतन नूं लांबू लाणो पहलों, लांबू समझ दिओ पायर जिहड़ी है, जतन नूं लांबू लाणो पहलों रता उसनूं भी उड़ीक लवो, जतन नूं लांबू लाणो पहलों रता उसनूं भी उड़ीक लवो, मरण लग्या कहिंदा सी अज उसका इंतजार है मैनूं, मरण लग्या कहिंदा सी अज उसका इंतजार है मैनू। सो चरणजीत जी ये तो उड़ीक जी है ये नाल ही जानी है, पिछों भी शायद पट फिर शायद ये हो सकता भी उड़ीक सानू लभे। पोइटर नूं कहा जाता है कि इट्स ऑलसो ए थिएटर ऑफ माइंड, क्योंकि पोइट की अपनी उड़ान होंगी है, अपनी लेखनी विच उहदी अपनी इमेजिनेशन है, लेकिन जिहड़ा उसनूं पढ़ रहा है वो पाठक उसकी इंटरप्रिटेशन भी अपने हिसाब नाल होंदी है, जिसनों थिएटर ऑफ माइंड कहते हैं। पात्र जी अखीर विच तुसी की कहना चाहोगे इस पोएट्री के बारे, जतन जी की पोएट्री के बारे, और अपनी भी कोई कविता दे चार कोई शेर तुसी भी अर्ज करके इसमें असी अज की डिस्कशन इतने ही समाप्त करांगे। सो जिस तरह जतन होर क्या कि मेरी पोइट्री से होर कोई विशा नहीं आ, सो इन दा दुख वाकई बहुत बड़ा दुख है। किसने आज की फूल के देख ले दिल, उम्र हकीकत मेरी, इश्क दे दाग बिना होर कोई दाग नहीं। तो मैनू जतन बहुत अच्छा लगता, जतन एक इहदा हिरदा जिहड़ा ना बड़ा बड़ा शुद्ध हिरदा वाला और बहुत कोमल हिरदे वाला आदमी है, और शायरी इन्हां हिरदयां च ही निवास करदी है। बाकी शायरी का बहुत रेंज हुंदा कि आपां कहने कि गुरु नानक साहब ने बाबर दे आउण दे हमले ते भी कवितावां लिखियां, चार कवितावां लिखियां, उन्होंने परमात्मा बारे भी लिखियां और सोशल रियलिटी भी और धर्म के ठेकेदार बारे भी लिखिया। सो कवितावान का बहुत बहुत रेंज है, तो जिहड़ा मैं तू का रेंज है वह सब तो वड्डा, तू तो मैं, और तू तो मैं
जो उड़ीक दी गल भी है कि तू ते मैं एक ऐसी ऐसा थीम आ जिहड़ा सूफिया तक गुरबाणी तक भी ये फैलिया होया और बस वड्डी गल यह है कि जो जे नहीं दिल तप रहा तां क्यों लिखा अंग्यार मैं दिल नहीं बेचैन तां लफ्जा नूं क्यों खिचल दिया कि दिल की बेचैनी तो बिना एक उदों ही लिख दिया जदों उन्हां दा वाकई दिल बेचैन हुंदा सो एक अपनी किस्म की सुची ते शुद्ध कविता तो मैनूं बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम भी इन्हां दे दिल वर्गा ही सीगा रेणुका दे दिल वर्गा ते कि डॉली ते कुकू दे तो मैं तुहानूं मैनूं हुण जदों मतलब जतन उन्हां दी पोएट्री तो बाद मैनूं मैं बड़ा कुछ लिखिया मैं तो यानी पोलीटिकल भी तो दूसरा भी सारे कुछ तो हूँ अज मैं पर जतन के प्रेजेंस से एक मेरी गज़ल है कि कोई डालियाँ चो लंघिया हवा बन के असी रह गए बिरख वाली हा बन के कि कोई मेरिया डालियाँ चो हवा बन के लंघिया मैं एक दरख्त वो तो मैं दो तीन शेर वे मैं कोई डालियां चो लंघिया हवा बन के ते सी रह गए बिरख वाली हा बन के पैड़ा तेरियां ते दूर दूर तीक मेरे पत्ते पैड़ा तेरियां ते दूर दूर तीक मेरे पत्ते डिगे मेरियां बहारां दा गुनाह बन के ते असी रह गए बिरख वाली हा बन के और किसे सुना कदे बंदियां दे वांग सानू मिलिया भी कर कदे बंदियां दे वांग सानू मिलिया भी कर एवें लंघ जाने पानी कदे वा बन के ते सी रह गए बिरख वाली हो बन के आखिरी शेर आखिरी किस्सा जदों मिलिया सी हाण दासी सांवरा जिहा जदों मिलिया सी हाण दासी सांवरा जिहा जदों जुदा होया तुर गया खुदा बन के ते सी रह गए बिरख वाली हा बन के बहुत बहुत शुक्रिया पाता साहब थोड़ी प्रेजेंस ने इस प्रोग्राम नू चार चंद लगा दिते है और जिदा के जतन जी ने कहा कि इस मुखबंध दे नाल इस किताब की जिहड़ी शोहरत है और भी बढ़ गई सो बहुत बहुत शुक्रिया ते मैं दीपक जी नू कहांगा कि उन प्रोग्राम नू अगे वधान बहुत बहुत धन्यवाद बैठो सर तुसी पात्र साहब तुसी तां बैठो तुसी इत्थे बैठो बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हाजरी दे विच इस समागम नू होर चांचार लगे ते असी उस समागम दे शिखर ते आ जिस गल नू लिया के साडा सवाल सीगा मना च फूड़ी नू लैके ओ दूर हो गया पर लिखण दा कारण वड्डा सवाल हुण बन गया सो के उन्होंने आप दस दिता जतन जी ने कि बीमारी मैनू 70 दी आ सो हुण जां तां रेणुका जी घरे कल्ले पुछ लियो सवाल जां फिर असी थोतों बिना कदे इन्हां नूं पुछ लांगे सो इह सवाल हुण चलदा रहना और उम्मीद करांगे कि जिवें जतन जी ने कहा कि पात्र साहब ने सेहरा बन दिता ते मेरियां इह नज़मां इह गज़लां सुहागण हो गईआं
सो आस करांगे चढ़ते साल नूं न्याणे भी होण ते असीं फिर किताबां लोक अर्पण का समागम करिए। बहुत मुबारक मौका है। सो लो असीं समागम के सिखर ते हां ते मैं चाहांगा कि इस मौके इस किताब के पबलिशर उन्हां नूं असीं 2 मिनट लई मंच ते बुलाउणा चाहांगे कि वो इस किताब नूं छापण दे लई जिहड़ी उन्होंने भूमिका निभाई ते उसनूं किहो जिहा हुंगारा मिलिया ते की उन्हां दी मन दे विच ख्याल सी। सो मैं बड़े अदब नाल सदा दे रहा हरदीप सिंह जी चांदपुरी होरां नूं कि वो 2 मिनट लई मंच ते आउण ते अपने कुछ बलबले कुछ विचार सांझे करन। सो मैं ये भुल गया सी, मैनूं किताब की प्रोडक्शन भी बहुत वधिया लगी, बहुत सोहनी तरह बहुत रीझ नाल छापी हुई किताब आ। सो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दें सारे नूं। प्यार भरी सत श्री अकाल ते निघा स्वागत पातर साहब, डोली मैम, ते तुसी सारे अज इत्थे पहुंचे हो, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सारिआं दा। मेरे वास्ते एज अ पबलिशर किताब छापनी कोई बहुत वड्डा चैलेंज नहीं सी। सब तो वड्डा चैलेंज जो मैं समझिया उस किताब का टाइटल, जो फस्ट टाइम मेरे को आए सलवान साहब तो उन्होंने दसा कि किताब का टाइटल है तो मैं शर्मांदे ने मैं नहीं पूछा उन्होंने ना कि मतलब की है, मैं कहते मैं एक्सपोज ही ना हो जावा। हाँ जी, तो उस तो बाद मैं कोशिश की, मैं मैगजीन चलाना वो मेरे को पेज है कितने लुप्त हो गए उस पंजाबी वर्ड्स बारे गल करते हैं तो उन्होंने इंग्लिश मतलब भी दस दें, पंजाबी मतलब भी दस दें। मैं 14 इशूज कढ़ चुके हैं, उन्होंने चो एक भी वर्ड मैं नहीं किया। एनीवे सलवान साहब ने मैनों समझाने की कोशिश की तो मैं समझ गया। फिर मैं उस तो बाद एक फैसला लिता कि इट इज़ बैटर टू गैट एक्सपोज एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सर, बहुत चीज़ें सीखियां थोड़े तो, एक बहुत ही शानदार इंसान, बहुत बहुत बधाई थानू, बहुत बधाई रेणुका मैम तो सारे परिवार को। तो मैं तो एज अ पबलिशर एक छोटा जहा काम किया, मैं एक चीज़ जरूर दसागा एना पोइट्री एक खास खास गल यह है, ये हथ बन के थोड़े मूँह राही जाके थोड़िया आंतड़ियों खिंच के लेके आऊगी तो यह मैं थोनों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कह सकता। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई है थोड़ा सारे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जदों नाटक चल रहा सीगा उड़ीकां उस दौरान उस दे विच जिहड़ा कुकू दा रोल निभा रहे सीगे बलकार जी, उन्होंने एक मठियाई का डब्बा थले घल्लिया सी, मैनूं नहीं पता बर्फी सारिआं नूं मिली है कि नहीं मिली, नहीं मिली ना। सो मैनूं उम्मीद है कि बाहर गुलाब जामना जां आइसक्रीम चो कोई जरूर होगा जी। सो इसलिए खाना असीं सारिआं ने लैणा ते उस दे नाल नाल किताब दे नाल इन्हां ने बूटियां दा प्रबंध भी कीता। सो इस तो पहला कि धन्नवादी शब्द बलकार जी कहन, मैं पंजाबी लेखक सभा के प्रधान बलकार जी और रेणुका जी नूं बेनती करांगा कि वह साढ़े अज के मुख मेहमान पद्म श्री डॉक्टर सुरजीत पात्र जी का ते इस किताब के लेखक जतिन सलवान जी होरां दा सन्मान करन। उस तो बाद धन्नवादी शब्द ते बाकी गल्लां असीं खाने ते करांगे। किताब जरूर सारिआं ने लैके जानी आ, सो ये साडी बेनती है। तो सब तो पहला पात्र साहब होरां दा सी लेखक सभा वालों। हाँ जी, अब बड़ा प्यारे दो जोड़े गमलिया में दे के सम्मान किया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पात्र साहब, तुसी विशेष समा कढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह असं चाहवे बलकार जी कि असी इस किताब के लेखक जतिन सलवान जी होरां दा भी एक सन्मान करिए। बेशक गमला वो आप ही लेके आए ने अपना भी मैं दस दिना सुपर यही चंगा लगता ताकि फोटो फेसबुक से भी जो पानी होंगी तो बहुत सोहनी बन जाती है। सो बहुत मुबारक मौका। सो बिल्कुल पात्र साहब तो मैम आओ नाल। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो असी इस किताब के पबलिशर उन्होंने भी मंच से सदांगे कि वह भी मंच से आन, तो असी उन्होंने भी एक गमला भेट करके सन्मान करना चाहवांगे। सब तो पहला चांदपुरी साहब तो फिर सी जे सिंह पत्र साहब नाल। इस तरह सी जे सिंह होर का भी असं चाहवे कि चरणजीत जी होर भी, तो एक नौजवान मुंडे का सन्मान भी इन्होंने करना, वो भी कवितावां लिखता रहता कहिंदे, ते पात्र साहब कहिंदे कि उन्हूं भी असीं फुल्लां दा बूटा देना। सो मैं इस तो बाद सी जे सिंह तो बाद
ਸੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਥਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਲਹਿਰਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦੀਬ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਖੋਰਾ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਤਿਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਫੂੜੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੀ ਰੂਹ ਨੁਮਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੈਰਮਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੌਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਡੋਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਰ ਹੇਠਲੇ ਸਪਤਕ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪਤਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਸੁਨੈਣੀ ਭੈਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਦੀਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਸਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਸਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਸਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਲੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦਿਲ ਜਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਗ ਹੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗੀਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਸ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਮਾਈ ਸੌਂਗਸ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਸੌਂਗਸ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸੋ ਇਸ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਇਕ ਨੇ
तो असी इन्होंने भी बहुत आभार हाँ। सब तो ज़्यादा जोड़ा आभार मैं पहला करना बनता से वो पद्म श्री डॉक्टर सुरजीत पात्र जी जिन्होंने अपने रुझेवें चो समा कट के अब विशेष तौर के उत्ते साढ़े समागम शिरकत की बतौर मुख मेहमान और सानू भी नवाजा तो क्योंकि इन्हों की जिदा इन्हें दसिया अपने बारे जो कविता की गल चरणजीत जी पूछ रहे थे किनिया डायमेंशनज ने इन्होंने बड़े पासार ने इन्हें कविता के जो तुम तो खैर पढ़ते रहे हो लेकिन देखो बच्चे मैं देख रहा सी छोटे बच्चों के वास्ते भी इन्होंने जिदा असं इंग्लिश करते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार तो होर इदा दंजाबी बड़िया अच्छिया अच्छिया लोरियां प्रभातियां बड़ा कुछ लिखा हुआ है। मैनू एक मिनट दोख लेना याद ने कि वह कहते भारे भारे बस्ते थक गए ने रस्ते दुखन लगे मोढ़े थक गए ने गोडे इन्ना भार चुकाया है असी कोई खोते हाँ जदों स्कूले जावे बाँ तो बस्ते लावे मास्टर जी आवे आके हुक्म सुनाउणगे चलो किताबा खोल लो पिछे पिछे बोल लो पिछे पिछे बोलीए असी कोई तोते हाँ। सो इस तरह पंजाबी बड़िया नच मेरे बंदर नच के विखा वगैरह वगैरह बड़ी अच्छी अच्छी सब मैनू तां याद है कि अज तो कोई मेरे खाल 35 साल पहला सारंग लोक वाले ने एक बच्चों की खेडों का रखिया वर्कशॉप लाई सी तो वो डॉक्टर साहब ने कहा भी तुम बच्चों वास्ते कोई लिखो और पोएम से चलो मेरी इनवॉल्वमेंट से मैं थोड़ी तैयार तुर करवाना से बच्चों को खेडा खुडा जी इदा तो उदों का मैं मैं भी एडे वे लेखक तो यदा दल और जो नाटकों के जिन्हें भी डॉक्टर नीलम मान सिंह चौधरी होर के नाटक ने क्योंकि थिएटर तो बहुत सारिया हस्तियां इतने पहुंचे मैं ना ना लैन लगा तो बड़ा टाइम लग जाऊगा। सो उन्होंने जिन्हें भी नाटक ने देखो ओरिजिनली वो शायद फ्रेंच भाषा चो सके फ्रांस तो जिदा डॉक्टर साहब दस्सिया कि पंजाबी दे विच बड़े शब्द ने हाजमा बड़ा तगड़ा पंजाबी बोली का रिक्शा शब्द जपानी जे तो आप आम बोलते हैं होर बड़े स्पैनिश तो दूजे तीजे तो उस फ्रेंच नाटकों पंजाबी इन्होंने उलथा किया तर्जमा किया अनुवाद किया और इन्ना खूबसूरत किया कि वो लगता सीगा भी शायद ओरिजिनली पंजाबी जिन्हें भी नाटक इन्होंने चुक के वेख लो और वर्ल्ड लैवल के उत्ते नाटक खेडते रहे ये भी इन्होंने वक्री विधा जो शायद तुम्हें नहीं पता तुम एज ए वड्डे पोएट ही जानते हो पोएट्री तो खैर जवाब ही नहीं कोई सो असी इन्हों बारे क्योंकि इस फील्ड के मुहारत सो साढ़े को वड्डी हस्ती पहुँचे जतन जी उन्होंने किताब फूड़ी इन्हों की प्लस पॉइंट है कि इन्हों का जोड़ा जन्म है ना या परवरिश है वह माझे च हुई है तो गुरदासपुर अमृतसर तरन तारण लाहौर सिर्फ वो इलाका यहोजा भी उत्थे शब्द भंडार वाधू शिव कुमार बटालवी सियालकोट तो लैके जो इधर भी आते हैं तो तुम उन्हें पोएट्री जिनी शब्दावली वक्री वक्री वेखते हो वो इदा ही हम फूड़ी शब्द असं नहीं बोलते इधरले पासे आप कई बार सत्थर बोलते हैं सत्थर विश के यार अड़े सानू सत्थर चंगा है ना तो ये इस तरह के बड़े अल्फाज ने इन्होंने किताब न दिता हैडिंग गजलों की पंड अच्छा हम मैं नहीं पता तो विद्वान जानते हो कि वह पिंगल दे विच रूज़ विच बहरां दे विच रुकन बकायदा काफियर दी एवरीथिंग है कि नहीं कितों तक है दैट इज़ उन्हां दा क्रिटिक्स दा लेकिन जिहड़ी पोएट्री दा इक्को ही हुंदा भाई इंजॉय करनी है जज्बात ने किसी दे और जो पहली किताब पलेठी किताब होए तो जे जेठा बच्चा जो हुंदा ना तो आप इंजॉय करते खुशियां मनाते हैं तो अज जशन का दिन है तो आप जशन ही मना तो आप वधाई देनी है तो बाहर खाना जरूर खाना रीजन बीइंग कि इतने हम देखो फिल्म इंडस्ट्री चो मनप्रीत कौर बैठे ने हालांकि साहित दे विच भी इन्होंने पोएट्री की किताब इन्हों की आ चुकी है निशा लुथरा जिन्होंने नाटक तुम उड़ीक वेख्या इन्हों की कंसैप्शन डिजाइनिंग एवरीथिंग बरीकियां सारिया पूरा सैट इन्हों को किताबा तक लॉ वाली यानी वो सारा उन्होंने सिरजा तो नि न्यूंसिस रखे उन्होंने तो उन्होंने भी 12 मार्च में पहली पोएट्री की किताब 19 जी रिलीज़ हो रही है। सो अज तो सू लगता भी भावें इदा लेकिन कला कला बंदा इतने इंस्टीट्यूशन
भुपिंदर मलिक जी मेरी नज़र आ रही है, दिलबाग वीर बैठा, बहुत सारिया शख्सियत कुछ एक नहीं आ रही, साढ़े बहुत बड़े विद्वान आए ने, लेखक आए ने, ते तुसी सारे अपने रजीवें चो समा कट के इतने पहुंचे हो, तुहाडा सारा दा रस्मी तौर पर मैं नहीं कह रहा सच्ची दिलों पंजाबी लेखक सो जलजीत सरीन जी पहुंचे ने, सो सलाम है कि बहुत सारे शख्सियत ने, तो तुहाडा सारा दा सी पंजाबी लेखक सभा वालों बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ममनून हाँ, शुक्र गुजार हाँ, तो जिन्ना तुसी समा कढ़िया उन्हें सारे लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर गुजारिश हो ही क्योंकि रेणुका जी होना वालों जतन जी होना वालों बाहर खाना लंच यानी कि लिख देना बर्फी तो रसगुल्ले सार देना इदा नहीं करनी, बकायदा खाना तैयार है और बिल्कुल डॉली जिदा उन्होंने डायलॉग निशा उन्होंने पढ़ाया ना कि प्रौन चारी आफरी ने मत्थे वट नहीं पाँदी तो पूरी अन्नापूर्णा है, सच्ची गल बाहर इंजॉय करोगे रैलिश करोगे खाना तो जरूर खा के जाना। तो हाँ जी किताब लेके जाना तो जरा किताब लूगा उन्हों ना एक पौधा फ्री च मिलेगा जिदा अपने आप सेल चलती है ना एक दे नाल एक फ्री तो किताब दे नाल पौधा फ्री जरूर लेके जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।